मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा आज हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी व्याकरण उप विषय पार्ट नंबर 10 विराम चिन्ह लेसन नंबर 10 जो हमारा हिंदी व्याकरण का है फिफ्थ क्लास का आज वो हम क्या करेंगे रीड करेंगे। ठीक है, पहले उसके बारे में देखते हैं किस लेसन के अंदर दिया क्या गया है कि विराम चिन्ह जो वो क्या होते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ वाक्य लिखते समय विराम पत्र करने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं विराम। जब हम कोई भी वाक्य लिखते हैं उसके बीच में हमें रुकना है, लास्ट में रुकना है, प्रश्न पूछा गया है, जो भी चिन्ह हम बीच में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्ह होते कौन कौन से हैं जो हमारी बुक के अंदर दिए गए हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है, जब कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं तो ये वाक्य हमारा पूरा हो गया यहाँ पे, तो इसके पीछे जो चिन्ह लगा है वो क्या है पूर्ण विराम, जो ये वाला चिन्ह लगा है, तो ये क्या है पूर्ण विराम। अब है नंबर सेकंड अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो होता ही है जिसको हम बोलते हैं कोमा। क्या बोलते हैं कोमा, अल्प विराम। अल्प में थोड़ा, विराम रुकना, थोड़ा रुकना, बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम श्याम और मोहन खाना खा रहे हैं, राम और श्याम के बीच में जो ये कोमा लगा है ये, तो ये क्या है विराम चिन्ह। क्या है ये विराम चिन्ह। नंबर थर्ड प्रश्न वाचक चिन्ह। प्रश्न वाचक का जो चिन्ह होता है वो ये होता है, जब हम एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं, तो तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तो लास्ट में हमने जो प्रश्न किया है वो खत्म हो गया है और उसके पीछे क्या लगेगा प्रश्न वाचक चिन्ह। ठीक है, अब है उद्धरण चिन्ह, सॉरी विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह, इस चिन्ह इसका जो चिन्ह होता है वो है ये सीधा डंडा और उसके नीचे बिंदु, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय प्रेम घृणा आश्चर्य प्रसन्नता दुख आदि भाव को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह का, प्रेम घृणा आश्चर्य प्रसन्नता दुख भाव को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे आप यहाँ कैसे पहुंचे, अरे सूख हुआ उसे एकदम, तो आप यहाँ कैसे पहुंचे। अरे के बाद जो चिन्ह लगा है वो क्या है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसके बाद है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे कहाँ लगता है, जब किसी भी कवि कवित्री या किसी मेन आदमी के द्वारा जो बात कही जाती है, जो कि त्योरिक नहीं होती है, हमें किसी की कही हुई बात को जो का जो प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और जो इसका चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह, दो कोमे ऊपर आगे और दो पीछे। ठीक है, जैसे
महात्मा गांधी जी ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो। क्या कहा महात्मा गांधी ने? करो या मरो। ये बात आज भी ऐसी ही है, 10 दिन बाद भी ऐसी ही होगी और 10 साल के बाद भी ऐसी होगी। तो जो ये ऊपर चिन्ह लगाए गए हैं, कोमे लगाए गए हैं, तो ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। अब है सप्त चिन्ह। सप्त चिन्ह किसी के द्वारा कहे गए सब या वाक्यांश को जो कोमा के अंदर रखते हैं वो क्या है? सप्त चिन्ह। इसका चिन्ह होता है एक कोमा उधर और एक इधर। वाक्य में आए किसी विशेष शब्द या वाक्यांश के लिए क्या जाता है? कोई विशेष वाक्यांश है या विशेष शब्द है। जैसे बड़े भाई साहब कहानी के लेखक प्रेमचंद जी, इसमें जो मेन है, जो प्रेमचंद जी है वो क्या है? बड़े भाई साहब। तो इसको ये जो ऊपर कोमे लगे हैं ये क्या है? शब्द चिन्ह। नंबर 7 लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जो होता है शून्य जैसा होता है, 0 के बराबर होता है, समान होता है। कुछ विशेष शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, संक्षिप्त होता है छोटा, छोटे रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं लेकिन छोटे फॉर्म में लिखेंगे तो डॉक्टर को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद योजक चिन्ह नंबर 1। योजक चिन्ह होता है ये पड़ी हुई रेखा। योजक चिन्ह दो युग्मों को जोड़ने के लिए, दो शब्दांशों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में तथा तुलना करने के लिए शब्दों के साथ होता है। जैसे भाई बहन, दिन रात, चाचा चाची, इनके बीच में जो इस दोनों को जोड़ रहा है वो क्या है? योजक चिन्ह। अब है कोष्ठक। कोष्ठक होता है किसी भी शब्द या वाक्य को बंद कर देना। कोष्ठक दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, एक ये और एक ये। कोष्ठक का प्रयोग किसी शब्द का अर्थ बताने या विशेष बात को लिखने के लिए किया जाता है। किसी चीज का अर्थ बताने के लिए और विशेष बात को लिखने के लिए, जैसे क्रिया की मात्रा, क्रिया की मात्रा बतानी हमने, जैसे परिणाम, परिमाण कितना है, और जैसे वे भावच भाभी आ गए हैं, आ गए हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले आते हैं, जो शब्द अकेले प्रयोग किए जाते हैं उनके साथ वाक्य को देखकर भी उनके साथ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा ये है आपका विराम चिन्ह का चैप्टर। ये जो चिन्ह है नाम और जो इसका चिन्ह है, ये आपने सबके सब 1-9 लर्न कर, ठीक है। तो आप जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उससे हम इस लेसन को रीड करेंगे।